Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our new chapter, chapter number 16, A Busy Month. And it is a letter written by Gijubhai Badheka, who was a teacher in Bhavnagar, right? And he was known as Muchhadi Ma. So, in this chapter, you can aware about different kind of birds around us. Okay, so I am going to revise again. Dear children, this is the Bal Mandir Bhavnagar, 13th April 1936. मतलब ये जो letter है वो भावनगर के बाल मंदिर से 13 April 1936 को लिखा गया है और ये शायद गिज्जू भाई का लिखा हुआ letter है. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. कि भाई ये 3 बजे हैं दोपहर के और आसमान में कोई बादल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है. The sparrow, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. कि भाई जो चिड़िया है चकली और डव मतलब ये और सनबर्ड आगे आएगा तो मैं दिखाऊंगी छोटा सा बर्ड होता है. उन्होंने पैर मतलब दो दो की जोड़े में अपना काम करना शुरू कर दिया है. और उसका काम क्या है तो के घोंसले बनाने का. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. उनमें से कुछ ने तो कब के अपने घोंसले बना लिए हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. और उनमें से कुछ जो नेस्ट है उनमें तो एग है वो हैच आउट भी हो चुके हैं मतलब अंडे में से बच्चे बाहर आ चुके हैं. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. और उनके जो बच्चे हैच आउट हो चुके हैं अंडे हैच आउट हो चुके हैं उनके पेरेंट है वो अपने छोटे छोटे चूजों को खिलाने में बिजी हो चुके हैं. और वो क्या उसको खिलाते हैं तो के अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स और दूसरी चीजें. इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव. हमारे कोर्टयार्ड में मतलब घर के जो पीछे थोड़ा सा आंगन जैसा होता है वहां पर भी एक छोटा सा डव का बच्चा है जिसको हम गुजराती में होला बोलते हैं. घू 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 करता है ना व्हाइट कलर और स्लेट कलर का वो. देयर इज अ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट. कि भाई नेस्ट में घोंसले में दूसरा डव का अंडा भी है लेकिन अभी तक वो फूटा नहीं है. ओके. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. ये बोल रहे हैं कि गोपाल भाई के घर के जाने के रास्ते में रोड की दोनों साइड बहुत सारे पत्थर हैं छोटे छोटे. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन एन इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग्स. कि ये जो पत्थर के बीच में जगह है उसके बीच में इंडियन रोबिन, ये इंडियन रोबिन है जिसको हम काड़ी चकली या ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसका वहां पर उसके एग है. बच्चू भाई सोड इट टू मी. कि भाई बच्चू भाई है उन्होंने मुझे ये दिखाए थे. आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स मतलब मैंने उसको बाइनोक्यूलर से देखा. आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. क्योंकि अगर हम पास जाएंगे तो वो चिड़िया डर जाएगी इसलिए शायद उन्होंने दूर से बाइनोक्यूलर से देखा है. तो उन्होंने क्या देखा कि जो जमीन पर पत्थर के बीच में उसने घोंसला बनाया है वो ग्रास से बना है. ऑन टॉप देर वेयर सॉफ्ट स्ट्रिंग्स और उसके ऊपर जो सॉफ्ट है वो झाड़ी जाकरे की जो डालियां होती है ना वो डाली है और रूट्स डाले हैं. वुल मतलब ऊन डाला है हेयर और कॉटन वुल और कॉटन भी डाला है ताकि अंडों और बच्चों को तकलीफ ना हो वो स्ट्रिंग्स उसको लगे नहीं. This is how the robin make its nest. कि robin कैसे नेस्ट बनाती है ये ऐसे पता चलता है कि पहले वो ग्रास से घोंसला बनाती है फिर उसके ऊपर छोटी छोटी twigs मतलब पतली पतली डालियां रखती है फिर उसके ऊपर
जो पेड़ के मूड होते हैं रूट्स, वो ऊन, बाल, कॉटन ये सब डाल के उसको सॉफ्ट बनाती है, सॉफ्ट और कोजी और वार्म, ताकि बच्चों को हर तरह से सहूलियत मिले। वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। देखो बताया ना कि देखो अपने बच्चों के लिए कैसे उसने सॉफ्ट और कोजी मतलब आरामदायक घोंसला बनाया है। द रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो। रोबिन कौवे जैसी नहीं होती है। क्रोस नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड। देखो कौवे को शायद घोंसला बनाना ही नहीं आता है, क्योंकि कौवे का घोंसला हर चीज़ों से बना हुआ होता है। उसमें लोहे के वायर भी होते हैं और लकड़े भी होते हैं। अभी बच्चे को लग जाए तो उतना उसका दिमाग नहीं चलता है शायद। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रोबिन्स नेस्ट। मैंने रोबिन के घोंसले में एक छोटा सा बच्चा भी देखा था। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बिग वाइड ओपन। वो अपनी चोंच ऐसे ओपन करके बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। उसका मुंह अंदर से लाल था। इन अ लिटल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। फिर थोड़ी ही देर में जो वो रोबिन थी वो नेस्ट के ऊपर उड़कर आई और उसके बच्चे के जो खुला हुआ मुंह था उसके अंदर उसने कुछ डाल दिया खाने के लिए। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। By then it was evening. The robin settled down with its chick. फिर क्या हुआ तो कि शाम हो गई और रोबिन है वो अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। Now ये रोबिन है, इंडियन रोबिन, इसको तो आप पहचानते हो, ये क्रो कौवा है। और नेक्स्ट बर्ड है ये है कोयल। You know that the coyote sings sweetly. आपको पता है कि कोयल बहुत ही मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। क्या आपको पता है कि ये बर्ड अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। इट लेस इट्स एग इन अ क्रोस नेस्ट। वो अपने अंडे हैं वो कौए के घोंसले में छोड़ती है। द क्रो हैच देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। और कौआ है वो अपने अंडों के साथ उसके अंडे को भी पालता है। और ये है बारबेट। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय। और उसके करीब एक छोटा सा पेड़ है। इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। और वहां पर उसकी डाली से लटकता हुआ एक घोंसला है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। और वो जो पंछी है वो भी बहुत ही अलग है। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। कौआ है वो पेड़ की सबसे बहुत ही ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। डव मेक्स इट्स नेस्ट अमोंग द थोर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। और जो डव है वो अपना घोंसला है वो कांटों की झाड़ियों जो कैक्टस के प्लांट की बनती है या मेहंदी की जो वाड़ होती है वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। द स्पेरो कैन बी फाउंड एंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। और जो चकली होती है स्पेरो वो हमारे घर के आसपास या घर के अंदर ही घोंसला बना देती है। It makes its nest anywhere. तो स्पेरो तो कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। On the top of cupboard, behind a mirror, on a ledge, कहाँ पर भी बना लेती है, हमारे कबाट के ऊपर, हमारे आईने के पीछे और कहीं पर भी। Pigeon also make their nest like this. जो कबूतर होते हैं वो भी ऐसे ही कहीं पर भी घोंसला बना लेते हैं। Often they make nest in old or deserted building.
और मोस्टली ये लोग पुरानी और छोड़ी हुई, जिसमें ऐसे कोई नहीं रहता हो, पुरानी बहुत ही ज़्यादा ऐसे टूटी फूटी हो गई हो, ऐसी बिल्डिंग में अपने घोंसले बनाते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ हिज टक 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 कॉल। ये कोई नया बर्ड है, मैं नहीं जानती हूँ इसको, कि जिसको बार्बेट या कॉपर स्मिथ बर्ड बोलते हैं, और जो गर्मी की सीजन में अपनी टक 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 आवाज से पहचाना जाता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल। वो एक होल में अपना नेस्ट बनाता है, इन अ ट्री ट्रंक, मतलब पेड़ के तने में। शायद ये वुड पेकर को ये नाम दिया गया है, बार्बेट या कॉपर स्मिथ। एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टूगेदर टू लीव्स ऑन अ बश। ये टेलर बर्ड है, जो कि बस मतलब घनी झाड़ी जो होती है उसमें दो पत्तों को सीकर अपनी लंबी चोंच से अपना घोंसला बनाता है। इट ले इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इज हेड हैज मेड। दिस इज इट्स नेस्ट। और उसके अंदर वो, मुझे मैंने देखा है, वो अंदर रुई और ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें भरता है, और फिर उसके अंदर अपने अंडे यहाँ छोड़ता है, और ये उसका घोंसला है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सन बर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो कि वीवर बर्ड, जिसको हम सुगरी बोलते हैं। ओके, टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।